कि मैं खुद ही गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं मुझे पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक ये चीज़ें डिलीवर करूँ। हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमजीयू लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे टाइम से ये सोच रहे थे कि संविधान की कुछ बेसिक बातें कोई मुझे बताएं साधारण लैंग्वेज में और छोटी वीडियोस में, मतलब छोटे ब्रीफ में और सिंपल लैंग्वेज में बताएं। हमें पीएचडी नहीं करनी संविधान में, हमें कोई एग्जाम क्रैक नहीं करना, बस कुछ बेसिक बातें जाननी है जिससे हमारी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। कहीं चार बंदे के सामने खड़े होकर हम अपने आप को संविधान के, भारत के नागरिक के रूप में, एक अच्छे भारत के नागरिक के रूप में खड़े हो पाएं और अपनी कॉन्फिडेंस से लोगों को बता सकें कि हाँ, संविधान मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ उसका नॉलेज है, हम भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो मैं ये आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि क्या मैं, भारत सरकार कैसे वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो कैसे आती है, कैसे वर्क करती है, क्यों बनाती है स्कीम, भारत का जो पार्लियामेंट सिस्टम है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये सब कैसे वर्क करता है। अगर आप स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे आपको असेंबली मिलेंगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी, ये सब कैसे वर्क करता है। अगर आप लोकल लेवल पे जाओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं राज्य, जिला पार्षद, फिर ब्लॉक लेवल पे आपको मिलेगी पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत लेवल पे मिलेगी आपको वार्ड मेंबर, ये सब चीज़ें कैसे वर्क करता है। सेंट्रल पे आपको मिलती है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, ये सब कैसे वर्क करता है। हमारे अंदर जुडिशियल सिस्टम जो है, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब कैसे वर्क करता है। इन सब चीज़ों की बेसिक बातें जो कि आपको कोई नहीं बताता है, आपको सिर्फ वो चीज़ें आपको मिलती हैं जिससे आप पीएचडी कर सकते हो या फिर किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन एक कॉमन मैन जो जो ये सब चीज़ें जानना चाहता है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि क्या मैं इन सब चीज़ों को आपको डिलीवर करूँ, आपको बताने की कोशिश करूँ। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड रहेगा तो मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सरकार किस तरीके से काम करती है और हमारे संविधान में आपको क्या अधिकार दिया गया है। अगर हम इन सब चीज़ों को जानोगे, समझोगे, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे कहीं पे भी अगर आप डिस्कशन हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, तो वहां पर जाकर चार लाइन आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक कॉमन मैन हो, एक साधारण साधारण आदमी हो जो जो इन सब चीज़ों से उसका नाता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इन चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपसे ये सजेशन लेता हूँ, अगर स्टार्ट करूँगा तो उसके ऊपर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड होना चाहिए। अगर इस वीडियो में अगर आप मुझे 50+ लाइक दे देते हो, मैं ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मैं 50 लाइक बस मांगता हूँ। अगर आप 50 लाइक दे देते हो इस वीडियो को, तो चाहे आप शेयर करके लोगों तक पहुंचाओ या फिर जैसे भी आप इस वीडियो को कम से कम टाइम में आप पुराओगे, 50 लाइक्स दोगे, कमेंट अच्छा करोगे आप, तो मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूंगा, इसकी सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें बेसिक बताऊंगा आपको संविधान के बारे में। और आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। जैसे जैसे आप संविधान के बारे में और देश के बारे में, अपनी राजनीतिक सिस्टम के बारे में जानोगे, आपका यकीन मानो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50 लाइक आप दो, 50 लाइक्स आप दो, चाहे आप कितने भी शेयर करो इस वीडियो को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप शेयर करके या फिर जैसे भी 50 लाइक पुराओ, उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे सीरीज स्टार्ट करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बल्कि हमारी जो राजनीतिक सिस्टम है पूरे भारत की, जो बेसिक बातें हैं, उन सब चीज़ों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। वो कॉमन मैन के लिए होंगे, नहीं मैं इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं, मुझे पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक ये चीज़ें डिलीवर करूँ। ठीक है, तो 50 लाइक का मेरा टारगेट है। अगर आप 50 लाइक दे देते हो तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, इस सीरीज को स्टार्ट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।